Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing well. Welcome back to online classes of Heritage Public School. Okay, children. So, yesterday we completed the topic of functions of municipalities. Today we are going to start a new topic, that is cooperative societies. So, please take out your books and open page number 37. Okay, let's get started. Okay, children, so cooperative societies. Recently, cooperative societies have been formed as institutions that work for welfare of their members. Cooperative societies जो हैं एक institution होता है. कैसा institution? जो कि खुद के ही members, जैसे cooperative society के जो members होते हैं उनके ही welfare के लिए cooperative society work करती है. Different different types की cooperative societies होती है. फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोवाइड लोन असिस्टेंस एंड अदर हेल्प टू द फार्मर. जो फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, वो खुद के ही सोसाइटी के फार्मर्स को, खुद की ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के फार्मर को क्या प्रोवाइड करवाती है, लोन प्रोवाइड कराती है और भी अगर कुछ हेल्प चाहिए होती है फार्मर्स को वो करती है. फिर होती है स्मॉल ट्रेडर्स एंड कोऑपरेटिव प्रोवाइड ईजी लोन्स एंड अदर हेल्प टू स्मॉल ट्रेडर इन टाउन्स एंड सिटीज़. फिर स्मॉल ट्रेडर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, वो क्या करती है, वो इनको लोन प्रोवाइड कराती है और छोटी मोटी जो हेल्प चाहिए होती है इनको स्मॉल ट्रेडर्स वगैरह को वो प्रोवाइड कराती है. देयर आर कोऑपरेटिव सोसाइटी डेट सेल थिंग्स एट लो रेट्स. यहाँ पर ऐसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं जो कि थिंग्स को लो रेट्स में सेल करती हैं. दे ऑल्सो सेल स्कूल बुक्स वगैरह, हैंडीक्राफ्ट, अदर स्टेशनरी वगैरह, ताकि लोगों को बहुत ही कम रेट पे वो अवेल हो सके. कोऑपरेटिव सोसाइटी और सोसाइटीज़ आर फॉर्म्ड इन विलेज, टाउन्स एंड सिटीज़. कोऑपरेटिव सोसाइटी कहीं भी फॉर्म हो सकती है, चाहे वो विलेज हो, चाहे वो टाउन हो, चाहे सिटी हो. वुमेन कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोवाइड लोन टू वुमेन फॉर सेटिंग अप स्मॉल स्केल बिजनेसेस. एक टाइप की सोसाइटी हो गई वुमेन कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, वो वुमेन्स को लोन प्रोवाइड करती है ताकि वो अपने स्मॉल स्केल बिजनेस को स्टार्ट कर सके छोटे लेवल पे. कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर जनरली एफिशिएंट एंड प्रोवाइड गुड सर्विसेज टू देयर मेंबर. कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बहुत एफिशिएंट होती है और वो खुद के मेंबर्स की वेलफेयर के लिए हमेशा वर्क करती है और उनको बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं. इन 1687 द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इन इंडिया वॉज सेटअप इन मद्रास. बिरला मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मुंबई वॉज सेटअप इन 1888 एंड कोलकाता Municipal Corporation was set up in 1876. Now, as responsible citizen, we should take care of public property such as road, park and monument. See, हम सबको पता है कि हम क्या हैं, एक responsible citizen है, हम एक इंडिया के citizens हैं, साथ साथ में responsible भी हैं, तो हमें जितनी भी public property है, जितनी भी government की property है, उसका हमें take care करना चाहिए, चाहे वो street lights हो गई या benches वगैरह हो गई या फिर रोड्स हो गई, चाहे पार्क हो गया या कोई मॉन्यूमेंट हो गया, उसका हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए. ओके, चलो. सो डू प्रोग्रेस माइलस्टोन, लेट्स फिल अवर प्रोग्रेस माइलस्टोन. सो टेक आउट योर पेंसिल्स, टेक राइट द करेक्ट ऑप्शन. अवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर गवर्नमेंट एट टू लेवल्स, नो एट थ्री लेवल्स, सो इट इज़ रॉन्ग. अ सिटी और अ टाउन हैज़ इट्स ओन लोकल गवर्नमेंट कॉल्ड विलेज पंचायत, नहीं, इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग. नगर पंचायत वर्क फॉर अ ट्रांजिशनल एरिया, येस, नगर पंचायत उस एरिया के लिए वर्क करती है जो कि रूलर से अर्बन में कन्वर्ट हो रहा है. कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वर्क फॉर द वेलफेयर फॉर इट्स मेम्बर्स, येस, ये अभी हमने अब पढ़ा है. ओके ओके चिल्ड्रन, सो फॉर टूडे योर होमवर्क इज़ यू हैव टू लर्न द प्रोग्रेस माइलस्टोन एंड ऑल्सो रीड द चैप्टर. ओके, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास.